प्रियंका क्या जल्द शादी करने वाली है। प्रियंका और टीना सुबह से लाइव फीड में साथ बैठे हैं और ये दोनों जो हैं अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जहां टीना ने पूरी कॉन्वर्सेशन शालीन के साथ रिश्ता और इन सारी चीज़ों से शुरू की, वहीं प्रियंका फिर बताती हुई नजर आई कि अब मेरा जो है शादी करने का मन है, मैं जल्दी शादी कर लूँगी, पर कुछ प्लानिंग मैंने की हुई है कि मैं शादी से पहले फैमिली के लिए कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ, करियर में कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर जो है मैं शादी ज़रूर कर लूँगी। जिस पर टीना ने कहा कि मुझे भी 2 साल तो लगेंगे, लेकिन मैं भी अब 2 साल में शादी कर लूँगी और 1 साल तो लड़का ढूंढेंगे, फिर 1 साल उसको समझने में जाता है, उसके बाद में शादी करूँगी। तो प्रियंका ने टीना को कहा कि मेरा एक US वाला फ्रेंड है, मैं तुझे ना उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। तो अब प्रियंका टीना के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। तो एक बात तो तय है कि प्रियंका इससे पहले भी शादी की बात कहती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से वो शादी को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका जो है अब मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं। इसके अलावा अपने फैमिली की डिटेल्स भी शेयर करती हुई नजर आई कि इन दिनों दीदी यहाँ पे है, बच्चा मैटरनिटी लीव पर है, और कैसे जो है 5-6 भाई बहन है, योगेश वापस गया होगा, घर में सभी को बता रहा होगा, सब उसको घेर कर बैठे होंगे, पूछ रहे होंगे कि क्या क्या हुआ। तो टीना के साथ ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन प्रियंका कहती है मुझे लगता है कई बार शादी पे कौन खर्चा करे, कितना ज़्यादा पैसा जो है खर्चा हो जाता है। जिस पर कहती है टीना कि यार लेकिन मुझे लगता है कि एक ही बार जो है शादी होती है, दुल्हन बनती है, तो क्यों जो है हम इतना सोचे, कई बार जो है लगता है कि यार एक ही बार तो शादी होती है, एक ही बार तो लहंगा पहनने को मिलता है, ज्वेलरी पहनने को मिलती है, जैसे नॉर्मली लड़कियों के ड्रीम होते हैं। पर प्रियंका यहाँ बार बार अपनी इस फीलिंग को जाहिर कर रही है कि वो 2 साल के अंदर जो है शादी कर लेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कल जब मैं योगेश के साथ लाइव पर थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आप पूछिए इनसे कि वो अंकित को लेकर सोच रहे हैं क्या। हालांकि इस पर योगेश ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये दीदी का अपना कॉल है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो अब एक बात तय है कि प्रियंकित फैंस लगातार प्रियंका और अंकित को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन जब भी प्रियंका शादी की बात करती है उसके रेफरेंस में कहीं पे भी अंकित का जिक्र नहीं होता। तो क्या वाकई में प्रियंका अंकित सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और ये जो फैंस की एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों कभी एक साथ में देखेंगे, हम शादी कर लेंगे। तो मैंने ये सवाल कल योगेश से भी पूछा तो उसे बोला इस पे मैं सच में कुछ नहीं कह सकता, ये बात जो है दी ही बता पाएंगी बाहर आने के बाद, मैं उनके रिलेशन, मुझे ये पता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर अब लाइव फीड में प्रियंका ने इस बात को जाहिर किया है कि वो आने वाले 2 साल में शादी जरूर कर लेंगे।